गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो, आई एम पौनेश। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल स्टडी ऑफ क्लास 5। बच्चों, हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आप लोगों का बुक चेंज हो गया है क्लास 1 to 5। SST और साइंस की बुक चेंज हो गई है और यह बुक जो आई है बहुत अच्छी है। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है। सो आप लोग विद्यालय आइए और अपनी अपनी बुक ले जाइए। आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ क्लास 5। सो लेट्स स्टार्ट द अर्थ एक्सिस। फर्स्ट टॉपिक है बच्चों द अर्थ एक्सिस। एक्सिस किस होता है? अक्ष, जो लाइक अ बॉल। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है एक बॉल की तरह होता है, जो पृथ्वी पूरे विश्व के जितने भी कंट्री होते हैं वह यहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं। देखिए, दिस इज ए ग्लोब, इसे ग्लोब कहते हैं। यह ऐसे ऐसे रोटेट करता है और ऐसे ऐसे रिवोल्यूशन भी करता है। नेक्स्ट टिल्टेड। टिल्टेड मीन्स होता है स्लैंटिंग, तिरछा। देखिए, या देखेंगे अगर हम इसको सरफेस पर रखेंगे तो आपका ग्लोब या स्लैंटिंग पोजीशन पे है, जिसे हम लोग टिल्टेड बोलते हैं, तिरछा। और यही वर्टिकल है, जो कि हमारा ग्लोब वर्टिकल नहीं रहता है, गलत पोजिशन होता है। हमारा अर्थ ऐसे है, देख रहे हैं, इतने ऐसे ही इसका झुकाव होता है। जो लाइक अ बॉल द अर्थ आल्सो स्पिन, एक गेंद की तरह ग्लोब भी क्या करता है? रोटेट करता है, घूमता है अराउंड इट्स एक्सिस, अपने चारों तरफ, अक्ष के चारों तरफ। जैसे मान लीजिए यह आपका सन है, सन जो कि ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है। इट मीन्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन दिस हेवनली बॉडीज एंड ऑल्सो अर्थ रोटेट अराउंड द अर्थ, चारों तरफ घूमता रहता है। ये अक्ष है, इसे हम पाथ भी कहते हैं, इसके चारों तरफ एक नियत समय पे घूमता रहता है। वी कैन नॉट सी द एक्सिस, हम इस अक्ष को देख नहीं सकते हैं, बस हमारा एक गसेस है कि हाँ ऐसे होता है। लुक एट अ ग्लोब, ग्लोब को देखो। विच इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, यह एक पृथ्वी का रूप होता है बच्चों। यह एक पृथ्वी का, देखिए आप लोग ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि देखिए ये इंडिया है, देख रहे हैं, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, जो कि मेड इन चाइना हटा दिया है, आज लिख रहा है PRC। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है, यहाँ देखिए छोटा सा मैं श्रीलंका है, ये यहाँ पे म्यांमार है, बांग्लादेश है, तमाम देश यहाँ पे हैं, ठीक है। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स अबाउट द अर्थ, जो यह मॉडल है पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसको तो हम दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको मॉडल कहा जाता है। मॉडल का मतलब ठीक वैसे ही बताया गया है, बनाया गया है हमारा अर्थ, ऐसे ही होता है। पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे पृथ्वी को आपको लाकर समझा पाए, इसलिए यह ग्लोब एक अंदाज रूप में, एक गसेस के रूप में हम आपको एक छोटा रूप, जिसे हम लोग मॉडल ग्लोब कहते हैं। द एक्सिस ऑफ ग्लोब इज टिल्टेड, जो कि स्लैंटिंग हम आपको बताया है, तिरछा होता है, यह सीधा नहीं होता है। द अर्थ, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज आल्सो टिल्टेड इन द सेम वे, यह हमेशा एक ही ऐसे ही पोजीशन पे यह घूमता रहता है, देख रहे हैं आप, देखिए इसको ऐसे घूम। द एक्सिस ऑफ अ ग्लोब पासेस थ्रू द टॉप एंड द बॉटम, जो पृथ्वी, जो ग्लोब होता है बच्चों, इस ग्लोब के जो अक्ष होते हैं इसमें दो मुख्य होते हैं, टू पोजीशन। फर्स्ट होता है टॉप, इसको परिभाग कहते हैं,
और नीचे को बोलते हैं बॉटम. इन द सेम वे द एक्सिस ऑफ द अर्थ पासेस थ्रू द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द अर्थ. नॉर्थ पोल और होता है साउथ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल. जैसे आप लोग का देखिए, कभी भी अगर आप लोग से डायरेक्शन पूछे, इजी वे में आप लोग बताइएगा कि देखिए कैसे डायरेक्शन होता है, उसके लिए कोई ज्यादा वो नहीं है. हम आपको बताएं, बहुत इजी है, बच्चों आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे. जैसे देखिए, कभी भी डायरेक्शन की बात करें, देखिए ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है. कभी भी अगर आप लोग जब आप पढ़ेंगे तो आंख बंद करके, अगर इस दिशा में है तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वह आपका ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, राइट हैंड वेस्ट होगा, आपका जो हेड है वह नॉर्थ होगा और जो लेग है वो आपका साउथ होगा. तो वैसे ही इस ग्लोब को अगर हम देखा जाए बच्चों, इस ग्लोब में मुख्य टू पॉइंट होते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज टॉप एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बॉटम. तो जो टॉप बॉटम जो टॉप होता है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल कहते हैं और ये क्या होता है साउथ, जिसे साउथ पोल कहते हैं. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो ग्लोब होता है उसका जो ऊपरी होता है उसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं या उत्तरी ध्रुव, और जो सबसे बॉटम होता है उसको दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहते हैं. द अर्थ ऑलवेज स्पिन इन द सेम डायरेक्शन. जो पृथ्वी होती है वह सदैव ऑलवेज स्पिन इन वन डायरेक्शन अराउंड इट्स एक्सिस. इट मीन्स यह एक ही डायरेक्शन में घूमती है, इसे चेंजिंग नहीं होता है, नॉट अ चेंजिंग. इट इज ऑलवेज स्पिन इन वन वे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मीन्स वेस्ट टू ईस्ट. देखिए ये हमारा पाथ होता है. देखो ऐसे वेस्ट टू ईस्ट ये हमारा सॉल्यूशन होता है. Not changing in the position, it means never changing from east to west. No, only west to east direction or earth around the sun. Spin the globe to see how this happened. जो यह स्पिन होता है यह घटना कैसे होती है. You can also see the tilted axis of the earth. और आप Next. The spinning moment of the earth is called rotation. Spinning moment means on its one position. That's this is a ka rotation. Not changing position, only rotate them in only single places. अपने जगह पे धुरी पे, इसको धुरी बोलते हैं, धुरी पे जो यह पोजीशन बदल रहा है यह हमारा रोटेशन कहलाता है. रोटेशन कजेज डे एंड नाइट. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, रोटेशन कजेज डे एंड नाइट, मतलब दिन और रात कैसे होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप लोग. रोटेशन जिसे हम लोग बोलते हैं घूर्णन. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. पृथ्वी अपना एक घूर्णन रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर कंप्लीट टाइमिंग लेता है. दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग अ रोटेशन. यह जो घटना होती है यह रोटेशन कहलाती है. एंड रोटेशन का जो डे एंड नाइट, सो इस टॉपिक विच गिव अ वन एग्जांपल फॉर देम.
All students, please give this pictures. I draw only to have anybody. One is sun, a very source energy. And next is our earth. बच्चों जब देखेंगे आप लोग इस फिगर में तो सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ रही है, पृथ्वी पे पड़ रही है। तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ रही है तो यह हमारा एक सॉलिड पार्ट होता है। क्या होता है? सॉलिड पार्ट मींस अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो जैसे बॉल ले लीजिए और बॉल पे एक टॉर्च लगाइए तो आप देखेंगे जहां टॉर्च की रोशनी जिस ओर जाएगी वहां उजाला होता है और यही नेक्स्ट पोजीशन पर देखेंगे तो वहां अंधेरा होता है। तो सूर्य ये जैसे हमने टॉर्च को लाइटिंग किया जलाया जब आप देखेंगे तो इसकी रोशनी एक फेस पे आएगी ना कि अदर साइड में आएगी। तो जिस फेस पे ये पड़ा तो ये हमारा डे हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? डे। और इसके ठीक अपोजिट साइड में सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती है, इट मींस वहां पर क्या हो जाता है? नाइट। और यह जो रोटेशन होता है वन कंप्लीट रोटेशन इन 24 आवर्स लाइक ओनली 12 आवर्स टू कंप्लीट एन हाफ रोटेशन। यह जो वर्क होता है यह अपने अक्ष पे ही होता है और यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। सबसे पहले बात यह अपने अक्ष पे है, अपने पोजीशन पे है और रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, जिसमें यह डे होता है और यहाँ पे क्या होता है? नाइट होता है। फिर ये घूमते 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 ये जो पोजीशन है यहाँ आ जाएगा और ये पोजीशन यहाँ आ जाएगा, ऐसे घूमकर तो यहाँ पर हो जाएगा डे और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? Sun is not rotate or revolution. Sun is a star and fixed in one place. Only all planets, natural satellites, rotates and revolution of the sun. जितने भी आप ग्रह उपग्रह देखेंगे या तो वह उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं या फिर वह ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाता है न कि सूर्य लगाता है। सूर्य एक तारा है, इसके पास बहुत मात्रा में ऊर्जा है, उस ऊर्जा के कारण हम लोग जीवित हैं और यह ऊर्जा सूर्य अपने एक निश्चित स्थान पर ही रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, सो ऑल ऑफ स्टूडेंट टू ड्रॉ दिस पिक्चर ऑफ रोटेशन Sun and the Earth, and also draw next figure globe. You can draw on your social studies notebook. Only two picture draw them. One is globe, and second is rotation of the Earth. And our next video upload soon. So all of you student that read this video also comment and subscribe my channel. That's all.